कुछ मिला पहले शिक्षा विभाग से डेलीगेशन टीम हमारे पास आए थे और उन्होंने हमें बताया कि आप चल के शिक्षा मंत्री जी से बात कीजिए, अपर मुख्य सचिव से बात कीजिए। हम लोगों ने ज्यादा की संख्या में नहीं, लेकिन हमारे सिद्धार्थ सर और मुख्यपाल सर शिक्षा विभाग गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद उनका कहना था कि आप लोग ये वादा करिए कि अगर कुछ आश्वासन शिक्षा मंत्री जी की तरफ से या शिक्षा के जो अपर मुख्य सचिव है उनकी तरफ से मिलता है तो आप अपना आंदोलन स्थगित कीजिएगा। तो हम लोगों ने ये फैसला वापस ले लिया और शिक्षा विभाग से वापस आ गया, क्योंकि इस तरह के आश्वासन हम लोगों को 2019 से ही मिलता आ रहा है। इस बार हम लोगों को आश्वासन नहीं, विज्ञप्ति चाहिए और जब तक शिक्षा मंत्री जी या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या लिखित लेटर के जरिए ये नहीं कहते कि कब वो हमसे आवेदन लेंगे, जब वो आवेदन लेने का डेट प्लस तब तक सातवीं चरण प्रक्रिया को कम्प्लीट किया जाएगा, ये नहीं कि विज्ञापन दे दिए और 3 साल 4 साल तक जो है आवेदन ले रहे हैं, वैसा नहीं। कब तक सातवीं चरण को कम्प्लीट करेंगे ये बात भी शिक्षा मंत्री जी को कहना पड़ेगा। और जब तक प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक हम लोग इसी तरह गर्दनी बाग में आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, मर जाएंगे लेकिन विज्ञापन लेकर जाएंगे। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि परसों हम लोगों ने जेडीयू कार्यालय का घेराव किया था, वहां पर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज का जो वीडियो था वो आप लोग न्यूज 18 पर देखे भी होंगे। हम पुलिस की लाठी से डरने वाले नहीं है। अगर नीतीश कुमार की सरकार हमें मारने के लिए तैयार है तो हम सीटें विद्यार्थी और मरने के लिए तैयार है, क्योंकि मरने के अलावा अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो शिक्षा मंत्री जी से हमारा कहना है कि हमारी जो टीम है, सिद्धार्थ सर है या विनीता मैडम है, पटना के जो बड़े बड़े शिक्षक हैं, खान सर को तो आप लोग जानते ही होंगे, वह पूरे इंडिया का आदमी खान सर को जानते हैं, रहमान सर है, ऐसे बहुत बड़े बड़े टीचर से हमारी बात हो चुकी है और वो हमारा साथ देने के लिए तैयार है। अगर शिक्षा मंत्री जी 72 घंटा के अंदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा आवेदन का डेट जारी नहीं करेंगे तो बहुत जल्द आपको पटना के सड़कों पर लाखों की संख्या में छात्रों का सैलाब देखने को मिलेगा। हमारे पास विपक्ष के जो सारिका पासवान आरजेडी के प्रवक्ता है वो भी आई थी, पप्पू यादव जी भी आए थे और बहुत सारे MLA आए थे, उनका कहना था कि आप लोग लगे रहिए, हम सड़क से लेकर सदन तक आपके साथ है। तो जब हमें विपक्ष का साथ मिल रहा है, हमें सभी छात्रों का, SSC का छात्र हो या फिर रेलवे का छात्र हो, सभी छात्रों का साथ मिल रहा है तो हम लोगों को इसी तरह से जब कराना है। और 20 दिन हो चुका है, अब कदम वापस लेना उचित नहीं होगा। जब 20 दिन हम लोगों को दे दिए हैं तो हम लोग 72 घंटा का समय शिक्षा मंत्री जी को देते हैं, या तो ये इस बात को एक चैलेंज